हाय दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद अब्दुल बासित में। आज मैं आपको चैट जीपीटी के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। चैट जीपीटी आप लोगों ने कई बार सुना होगा चैट जीपीटी के बारे में, जो कि November 30th, 2022 को डिज़ाइन हुआ ओपन एआई में, जो कि सैन फ्रांसिस्को में है। ये एक ओपन एप्लीकेशन है जो कि डिज़ाइन किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। स्वागत है आपका लर्न विद अब्दुल बासित में। चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी एक ओपन एप्लीकेशन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। एप्लीकेशन जो कि हम हमारे नॉर्मल फ़ोन्स में यूज़ करते हैं, जैसे फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस होती हैं, स्विगी, जोमैटो, कैब या टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशंस होती हैं, ऊबर, ओला या और दूसरी एप्लीकेशंस होती हैं जैसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट ऐसे। तो ओपन एआई वालों ने एक एप्लीकेशन डिज़ाइन किया है जिसका नाम है चैट जीपीटी। इसमें क्या होता है? इसमें वो सारी चीज़ें मिलती हैं आपको जो कि एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर में या नॉर्मल एप्लीकेशन में नहीं मिलती। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म है चैट जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, जो आप साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे उसके आंसर मिलेंगे, अगर आप मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो उसके आंसर्स मिलेंगे, अगर आप कोई प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तब भी आपको उसके आंसर्स इसमें ईजिली मिल जाएंगे। तो ओपन एआई वालों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा इस ऐप को इस प्रकार डिज़ाइन किया है कि कोई भी क्वेश्चन आप कर लीजिए, चाहे वो सर्च इंजन रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन है या कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन है या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो चैट जीपीटी बनाया गया है चार चीज़ों में। पहली चीज़ उसमें होती है मैन पेजेस। मैन पेजेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैन पेजेस यानी इसके अंदर कोडिंग आती है, इसके अंदर स्क्रिप्ट आती है, इसके अंदर डिज़ाइनिंग आती है। मतलब आपको किस कैटेगरी की आपको इसमें रिजल्ट आनी चाहिए, किस कैटेगरी का आपको क्या रिजल्ट आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मैन पेजेस में एम्बेड या कोड होती हैं। दूसरी चीज़ इसमें होती है इंटरनेट फिनोमेना। इंटरनेट फिनोमेना बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसके एप्लीकेशंस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसमें वो सारी चीज़ें आती है जो इंटरनेट में वायरल होती है, जैसे कि कोई एक वायरल वीडियो, कोई एक वायरल मीम या कोई एक वायरल न्यूज़ या कोई भी चीज़, तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट फिनोमेना में आती है। थर्ड चीज़ इसमें होती है BBS, बुलेटिन बोर्ड सिस्टम, जिसको और हम बोल सकते हैं कंप्यूटर बुलेटिन बोर्ड सिस्टम। इसमें इंटरनेट पर अपलोड, इंटरनेट पर डाउनलोड, इंटरनेट से एक्सेस, इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर या हम जो कुछ करते हैं वो सारी चीज़ें BBS में आती है। और इसमें लास्ट चीज़ होती है, सबसे लास्ट, पाइथन, जिससे इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ओपन एआई एप्लीकेशन है चैट जीपीटी, जो कि डिज़ाइन किया गया है November 30th, 2022 को। ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। आज तक की डेट में मोर देन 10 मिलियन यूज़र्स ने इसको एक्सेस किया, इसको टेस्ट किया, और अभी ओपन एआई वालों ने इस पर एक फीडबैक फॉर्म रखा हुआ है। अगर आपको कोई रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं मिलते हैं, अगर आपका रिजल्ट जो आप सर्च कर रहे हो उसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता, तब आपको इस फीडबैक में फिल करना होता है। तो उससे वो लोग और उसको अपग्रेड कर रहे हैं और उसको और इम्प्रूव कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बैक किया है, तो अगले टीम्स में, अगले बिंग सर्च इंजन में आपको चैट जीपीटी का एप्लीकेशन भी मिलेगा। तो चैट जीपीटी के प्रोज है, अगर आप कोई म्यूज़िक टोन कंपोज करना चाहते हो या कंपोज टोन को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इसमें आप सर्च करोगे तो इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप कोई प्रोग्रामिंग कोड करना चाहते हो या कोई प्रोग्रामिंग आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इसमें अगर आप सर्च करोगे तो इसमें आपको सारा डेटा उसका मिल जाएगा। अगर आप कोई प्रोसेस जानना चाहते हो, जैसे कि स्टिमुलेशन होता है, साइम्यूलेशन होता है या इनकोडिंग होती है, इम्यूलेशन होता है, ऐसे कई सारी चीज़ें जो भी आप जानना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको चैट जीपीटी में मिल जाएंगी। तो चैट जीपीटी एक ओपन प्लेटफॉर्म है जो कि सैन फ्रांसिस्को में ओपन एआई ने डिज़ाइन किया है और फॉर्म किया है November 30th, 2022 को। तो ये कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आगे वीडियो के भाग में मैं आपको बताऊंगा लैपटॉप द्वारा कि कैसे openai.com पे चैट जीपीटी को हम यूज़ कर सकते हैं। इन फ्यूचर हो सकता है चैट जीपीटी कोई एप्लीकेशंस में एम्बेड हो या कोई एप्लीकेशंस में ऐड हो। तो ओपन एआई का एप्लीकेशन है चैट जीपीटी, इसके प्रोज है, आप चाहे कोई प्रोग्रामिंग ले लीजिए, आप चाहे कोई सर्च ले लीजिए, आप चाहे कोई कोडिंग ले लीजिए, डीकोडिंग ले लीजिए, ये सारी चीज़ें आप इसमें मालूम कर सकते हो। और इसमें एक ड्रॉबैक भी है, काफ़ी सारी ड्रॉबैक्स है, जिसमें से कुछ है, आप अगर कुछ सर्च करना चाहते हो, जैसे कि व्हाट्स द वेदर
टुडे। सो इसमें आपको एरर आएगा, एज आई एम अ प्रोग्राम आई कुड नॉट बी एबल टू रिट्रीव द डेटा ऑफ योर लोकेशन, एज योर लोकेशन इज नॉट प्रिसाइज आई कुड नॉट बी एबल टू गेट द डेटा। सो ऐसे बहुत सारी ड्रॉबैक्स भी है। तो ये एक ओपन एप्लीकेशन है जिसको कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे एप्लीकेशन में, सर्च इंजन में, या कोडिंग में, डीकोडिंग में, या फॉर्मिंग में, रिजल्ट्स में, किसी में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अभी गूगल ने अनाउंस किया कि वो भी एक ऐसा ही एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसका नाम है बार्ड। वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं जिसका नाम है बार्ड। बार्ड सेम काम करेगा चैट जीपीटी के जैसा। तो गूगल के जितने भी एप्लीकेशंस होंगे, गूगल सर्च है, गूगल इमेजेस है, या गूगल फोटोज़ है, या जितने भी है, उन लोगों में ये भी ऐड हो जाएगा। ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन होगा गूगल की तरफ से। तो ये छोटी सी जानकारी थी, ये छोटा सा वीडियो था चैट जीपीटी के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए गुड डे।